Go. जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। जब भी आप यूट्यूब पर क्लिक करें जेबी न्यूज बोईसर और खबरों को देखना आरंभ करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। पश्चिम रेलवे के बोईसर उपनगरी रेलवे स्टेशन के करीब बंजारवाड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास चल रहे कॉरिडोर के काम के बीच में आ रही इमारत को ढहाने का काम चल रहा था। उक्त इमारत को गिराने के दौरान कोई भी सुरक्षा साहित्य का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इस दौरान देखा कि ठेकेदार ने सिर्फ अपने लेबर लगा दिए थे और इमारत को गिराने का काम जोरों में चल रहा था। अचानक इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया और करीब के घर पर गिरा, जहां पर कुछ लोग अंदर दबने के वजह से मामूली जख्मी हो गए। उन लोगों को घर से बाहर निकाला गया। गनीमत तो यह रही कि किसी के मरने की खबर नहीं आई। मामूली चोटें तो आई, परंतु किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ। रेलवे के अधिकारी अब जांच करने में जुटे हुए हैं कि सुरक्षा साहित्य क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा था। रोहन संख्या दर्शन संख्या के घरों पर जाग गया। उस दौरान मकान में चंद्रशेखर जायसवाल, चंद्रमा जायसवाल, कमलेश जायसवाल, रंजू जायसवाल, ओम जायसवाल, शिवा कमलेश जायसवाल, महेश, मयंक आदि लोग फंसे हुए थे। किसी तरह से उन्हें से बाहर निकाला गया, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी के भी जान का नुकसान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि यहाँ जो व्हीकल इस्तेमाल करके दीवार गिरा रहे थे, तो उस दौरान सुरक्षा साहित्य का उपयोग करना चाहिए था। यदि बड़ा हादसा होता तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। आप देख सकते हैं कि इमारत किस तरह से ढाई हुई है और ढाई हुई इमारत का हिस्सा करीब के घर गिरा है। ये रेलवे क्रॉसिंग है, इसी रेलवे क्रॉसिंग के करीब में इमारत है और उस इमारत को गिराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कंपाउंड के नाम पे एक सुरक्षा जो पत्र लगाना चाहिए था कुछ नहीं लगाए, सिर्फ बांध दी गई है, जिसके आधार पर यहाँ काम चल रहा है। ठेकेदार पर क्या रेलवे प्राधिकरण मामला दर्ज करेगा, क्योंकि सुरक्षा साहित्य का यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और इसी तरह यदि आगे भी इस्तेमाल नहीं किया गया तो हो सकता है कि किसी की जान पर बन सकती है। रेलवे विभाग का कोई भी अधिकारी उस घटना स्थल पर नहीं पहुंचा, ये बड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि घटना होने के तुरंत बाद भी कम से कम बोईसर रेलवे स्टेशन से किसी अधिकारी ने जाकर जायजा लेना चाहिए था, परंतु उन्हें कह दिया गया कि अधिकारी दूसरे दिन जायजा लेने। ताज्जुब की बात तो ये भी है कि यहाँ पर एक बैरिकेड था जो बैरिकेड टेढ़ा हो गया था और वहां रेलवे के जवान को नियुक्त करके उस बैरिकेड का रोक दिया गया था और वहां पर यातायात रेलवे का क्रॉसिंग बड़े पैमाने पर इलाके में यह रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पर सुरक्षा को दांव पर लगाते रेलवे अधिकारी अपनी मनगढ़ंत बात करते रहते हैं। हम दर्शकों को चित्र में दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए ये आरपीएफ का जवान यहाँ पे नहीं दे रहा है कि कोई भी ट्रेन आने के दौरान व्यक्ति अपना वाहन लेके ट्रैक पर ना पहुंच जाए। 10 बजे ये बिल्डिंग तोड़ने का काम चल रहा था, वो लोगों ने जो काम तोड़ने का काम है उसको कुछ भी प्रिकॉशन लिया नहीं, जो साइड का वो था दीवार था वो ऐसा टूट गया और वो साइड वाला के घर के ऊपर गिर गया। उसमें 8 लोग रहते थे, वो सब बच गए। वो एक उसमें से औरत वो भाग के चली गई, उसका 2 लड़का बाहर गया था और 3 आदमी अंदर फंसे थे। तो वहाँ से 4 पुलिस आए थे, वो लोगों ने उनको बाहर निकाला। ये सब इसका रेलवे का सब ये उनका सब निग्लिजेंस है। उनको 8 दिन पहले हम बोला था कि आपने किसको हालांकि पड़ोस को लोगों को कुछ दिया नहीं और नोटिस दिया नहीं, घर खाली करो, 8 दिन मत आओ, फायर स्टेशन को दिया नहीं, एम्बुलेंस को दिया नहीं और साइड के पड़ोस और किसको भी दिया नहीं। सब इसलिए हम लोग उनको बोल बोल के हैरान हो गए और आज जब ये ऐसा हादसा हो गया तभी वो सब भागते घूम रहे। सब रेलवे के डिपार्टमेंट को फोन करके बताया, वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने लिया तो उसको वो भी कोई भी यहाँ रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार नहीं। पुलिस स्टेशन में हम सुबह से जा रहे हैं 11 बजे से, वो साहब लोग आते आते बोलते लेकिन अभी तक कोई आया नहीं।